हेलो बच्चों, आज मैं आपको समर सीन बनाना सिखाऊंगा। ऊपर जो पिक्चर दी हुई है समर सीन की, इसको देखो और अपनी A3 साइज की स्केच कॉपी में इसको पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद में फिर मैं जैसे पेंटिंग करूंगा वैसे इसको पेंटिंग करने की कोशिश करना। ओके बच्चों, तो मैं पेंटिंग स्टार्ट करता हूँ। कैसे इसको पेंटिंग करना है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले पोस्टर कलर लेंगे। ये पोस्टर कलर लेकर आपको ये पूरी ड्राइंग में सब जगह येलो कलर फिल करना है। हट के ऊपर ट्री पे, यहाँ ट्री पे, इस हट पे, यहाँ ग्राउंड पे, इधर, यहाँ सब जगह येलो कलर फिल करना है। देखो बच्चों, ये पूरा येलो कलर हो गया है इसमें समर सीन में नीचे, और ऊपर मैंने ये क्लाउड्स और स्काई ये छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद में हम स्काई बनाएंगे। तो स्काई बनाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर स्काई है वहाँ सब जगह ऐसे पानी लगा लेंगे। यहाँ पूरे स्काई में वॉश टेक्निक से स्काई कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए पहले पूरे पे पानी लगाना पड़ता है। पानी लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर कलर लगाएंगे तो वो अपने आप ही वो स्प्रेड होता है और स्काई के जैसा अफेक्ट आ जाता है। अच्छे से पानी लगाइए ताकि कलर लगाते वो फैल जाए कलर और स्काई बन जाए। इसके बाद में लाइट ब्लू कलर लेंगे और इसके बाहर बाहर ऐसे लाइट ब्लू कलर लगाएंगे। कलर लगा लिया। अब ब्रश को साफ करके इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में ऐसे फैला दो ब्रश से। ये देखिए, इस तरीके से वॉश टेक्निक से स्काई कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में ट्री बनाएंगे और बुशेज बनाएंगे और जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर की पत्तियाँ ट्रीज वगैरह ये सब कंप्लीट करेंगे। तो ट्री कैसे बनाना है यहाँ से देखना। ट्री बनाने के लिए डार्क ग्रीन कलर लेना, डार्क ग्रीन कलर और फ्लैट ब्रश। यह फ्लैट ब्रश है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है ट्री में कलर करना। ऐसे डॉट 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 करके ट्री में कलर फिल करेंगे ऐसे। नीचे पूरा डार्क करना है, धीरे धीरे डॉट 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 करते हुए ऊपर चलेंगे और कम करते जाएंगे डॉट्स को, हल्के करते जाएंगे और ऊपर जाते जाते बिल्कुल लाइट कर देंगे और थोड़ा सा येलो कलर छोड़ देंगे इसमें। ये सनलाइट होती है जो पेड़ों पे ऊपर हमें नज़र आती है। नीचे के साइड में डार्क होगा और ऊपर लाइट होगा। ऐसे ही बच्चों ग्रीन कलर पत्तियों में करना है।
ये बनाना ट्री है, ये ग्रीन कर दिया। अब पानी, ब्रश में पानी लेके इसको ऐसे थोड़ा सा फैला देंगे, मिक्स कर देंगे इसको यहाँ से, ये इधर से मिक्स कर दिया, यहाँ से भी इसको मिक्स कर दो और इधर से भी। ये थोड़ा सा पार्ट लाइट शेड इसमें छोड़ना है येलो कलर से, ठीक है। नीचे अगर लाइट हो जाए तो एक बार फिर से इसमें ग्रीन लगा सकते हैं, क्योंकि कलर जब कलर को जब मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ये देखो नीचे डार्क कर दिया और ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में ये नीचे जो ट्रीज है इनको पूरा डार्क ग्रीन कलर करना है। ये पूरा डार्क ग्रीन कलर हो गया। ऐसे ही बच्चों ये बुशेज बनेंगी, जैसे ट्री बनाया था। नीचे से हम पहले तो एक क्लियर लाइन लगा लीजिए, फिर नीचे ऐसे डॉट्स लगाना स्टार्ट करो और ऊपर का थोड़ा सा येलो कलर छोड़ना है। फिर ब्रश को पानी से साफ करके यहाँ पर इस तरीके से इसको मिक्स करना है येलो ग्रीन को। ये ऊपर लाइट रहेगा और नीचे डार्क हो जाएगा। तो ये पूरे ट्रीज और बुशेज और ग्रास कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में ब्राउन कलर लेकर हर कंप्लीट करेंगे। तो हम ब्राउन कलर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे ऐसे ब्राउन लगाना है, ऐसे लाइन करनी है ब्राउन से। ये घास फूस के जैसा अफेक्ट आपको देना है इसमें, घास का टेक्सचर, सूखी घास होती है ये, घास से हट बनेगी। ओके, यहाँ पे ब्राउन लगाएंगे और पानी लेके इसको मिक्स कर देंगे येलो में। ये मिक्स हो गया, ये इस तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इस हेड का ये वाला पार्ट पूरा ब्राउन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ ब्राउन की लाइन आएगी और थोड़ा सा ब्राउन लगा के और इसको भी पानी से मिक्स कर देंगे। ऐसे देखो बच्चों इस तरीके से शेड करना है इसको ब्राउन से। पूरा येलो कलर जो किया था उसके ऊपर सिर्फ ब्राउन कलर मैंने लगाया, ब्राउन से शेड किया हुआ है। अब लास्ट में ब्लैक कलर से इसमें फाइनल टच देंगे। जहां पर आउटलाइन की जरूरत है वहां आउटलाइन करेंगे, जहां ब्लैक कलर फिल किया हुआ है वहां ब्लैक कलर फिल करेंगे। जैसे कि ये विंडो है, यहाँ ब्लैक किया हुआ है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, इसके बालों में ब्लैक होगा और इसकी आउटलाइन, ट्री की आउटलाइन, स्ट्री की आउटलाइन, ये सब हम ब्लैक से करेंगे और उसके बाद में ये आपकी लैंडस्केप कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बच्चों आपको पूरा ये सीन कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से आपको पेंटिंग करनी है। पेंटिंग करने के बाद में इसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है नेक्स्ट वीक, जब आपकी आर्ट की क्लास होगी। ओके, तब तक के लिए बाय।